नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उम्र में। आज हम बात करने वाले हैं, अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, किसके लिए था ये एडमिशन जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके लिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में छोटी जानकारी। तो ये एडमिशन किस चीज के लिए है, यूपी एनटीटी नर्सरी डीपीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट भी हो गया है। तो कोर्स का नाम है आपका क्या क्या कोर्स इसमें, एनटीटी नर्सरी और डीपीएड। लोकेशन आपकी अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होगी और ये कनेक्ट कौन कर रहा है, ये एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इसको कर रहा है, कनेक्ट करेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसमें, एन स्ट्रीम में, और मिनिमम 50% मार्क जनरल और ओबीसी के लिए होनी चाहिए और एससी और एसटी के लिए 45% मार्क्स होनी चाहिए। और इसके लिए आपकी योग्यता है वो यानी नागरिकता है वो उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। अब बात करते हैं एज की, तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है। इसके लिए आपको छूट मिली है, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष है और पीएच के लिए 15 वर्ष है, तो आपको छूट भी मिली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फीस 400 रुपए है, एससी और एसटी के लिए 200 रुपए और पीएच के लिए कोई फीस नहीं है आपकी। अब बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट क्या है। तो स्टार्टिंग आपकी 5 अक्टूबर से हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी है 3 नवंबर, यानी 3 नवंबर से पहले पहले आप अपना जो ऑनलाइन सबमिशन है वो जमा करवा दें। और इसकी जो फीस जमा करने लास्ट डेट है वो 4 नवंबर ध्यान रखना, 4 नवंबर। अब बात करते हैं सीट कहाँ कहाँ पे इसकी है। तो डीपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी रामपुर, तो इसमें आपकी 50 सीट है, और पर्यावरण में आपकी 25 है, और क्रिश्चियन फिजिकल एजुकेशन टीचर की यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ में, उसकी आपकी 30 पोस्ट है। श्री गांधी मेमोरियल फिजिकल एजुकेशन टीचर यूनिवर्सिटी जौनपुर, इसमें आपकी 25 पोस्ट है, 25 पोस्ट। अब बात करते हैं सीटी यानी नर्सरी के लिए, इसके लिए क्या स्टेट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इसमें आपकी 34 पोस्ट है, और आगरा यूनिवर्सिटी में आपकी 27 पोस्ट है, यानी पोस्ट आपकी सीटें हैं, इन सीटों को भरने के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो डीपीएड में आपका मेरिट बेस सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस होगा और पीईटी होगा यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, वो 30 नंबर का होगा आपका। और एनटी और एनटीटी और सीटी के लिए मेरिट बेस सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी जानकारी, यूपी एनटीटी नर्सरी डीपीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। अगर आप इसके बारे में कोई अन्य जानकारी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसको आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।